गया आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एंड देयर, हाँ एलिमिनेशन एलिमिनेशन ये है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और उनका एलिमिनेशन कैसे होता है, तो इस चैप्टर को समझना है। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म भी समझ लिया, जे जी अपरेटस बताया था थोड़ा बहुत, यस है ना। तो जे जी अपरेटस मैंने ये बता दिया था कि किस किस के बीच में होगा, डीसीटी और एफरेंट आर्टेरियोल, हाँ या यस ना, है यस ना, बता दिया मैं इसका मतलब, बता दिया मैंने पूरा आपको जे जी अपरेटस, है ना, कि भाई एक तो आपके एफरेंट आर्टेरियोल के सेल होंगे, एक आपके किसके सेल होंगे, डीसीटी के। तो एफरेंट आर्टेरियोल के कहलाएंगे जे जी सेल, और उसके कहलाएंगे आपके डीसीटी के मैकुलर डेंसा। क्लियर, चलो सर फिर अब आगे पढ़ते हैं भाई, अगला टॉपिक अगला टॉपिक अगला टॉपिक अगला टॉपिक। यूरिन फॉर्मेशन नहीं बताया मैंने आपको, नो सर पक्का मैंने, खैर में बताया मैंने ये आपको, पढ़ाया है अल्ट्रा सर करवा फिल्टरिंग दिया है। ट्यूबुलर सिक्रीशन, ये नहीं कराया, पढ़ा यस दिया सर ना। अरे तो चैप्टर ही थोड़ा सा रह गया बस, तो बहुत कम चैप्टर रह गया ये तो। यस सर इट इज गोइंग टू फिनिश विद इन हाफ आवर, वी विल स्टडी वेरी स्लो यस लाइक टॉर्टोइज, ओके, जस्ट यूटिलाइज फुल। हाँ बेटा कुछ पूछ रहे हो, नो नो सर ओके। अब हम बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, है ना, किडनी का फंक्शन किस तरीके से रेगुलेट होता है। ठीक है, पहला जो तरीका है किडनी के फंक्शन को कंट्रोल करने का वो कौन सा है, बाय एडीएच। कौन करेगा, एडीएच, एडीएच की फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन डायूरेटिक हार्मोन डायूरेटिक हार्मोन। व्हाट इज डायूरेटिक या डायूरेसिस, हाँ बच्चों, सर वाटर सचिन में वाटर या सॉल्वेंट कंटेंट ज्यादा हाँ वाटर कंटेंट ज्यादा होना है ना, जिससे यूरिन ज्यादा फिर रिलीज होगा, समझ रहे हो बच्चे, एंटी यस सर डायूरेटिक हार्मोन। इतना बात समझ में आ रही, देखो यस सर आपकी बॉडी में खास करके कई जगह ऐसे हैं जो बताते हैं कि ब्लड का वॉल्यूम कम हो रहा है या ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, यानी कि बॉडी फ्लूड का लेवल का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बताते हैं, ठीक है, और उसका आयनिक कंसंट्रेशन बताते हैं। जब ये बात पता लगती है तब आपका रेगुलेशन शुरू हो जाता है। नहीं भाई, वैसे मान लीजिए ये आपका बोमेंस कैप्सूल है, और ये इसमें क्या होंगे बच्चों, ग्लोमेरुलस है ना, अब क्या होगा इसमें, क्या इकट्ठा होगा, फिल्ट्रेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, ये बोलते हैं ना बेटा। होता यस सर क्या है कि मान लीजिए अगर आपके जो बॉडी में एक्सेसिव लॉस हो गया है फ्लूइड का, ठीक है, क्या हो गया बेटा, एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड्स एक्सेसिव लॉस, ठीक है, एक सेंटर होता है जिसको कहते हैं थर्स्ट सेंटर, प्यास का, ठीक, वो कहां लोकेटेड है, हाइपोथैलेमस में, ठीक है। देखो बच्चे होता क्या है, जब भी आपके बॉडी में फ्लूड लेवल कम होगा तब आपको प्यास लगती है, ऐसा होता है, ठीक है। दूसरी चीज साथ यस साथ क्या होती है कि बेटा आपका जो हाइपोथैलेमस है वो सिक्रीट करता है हार्मोन जिसको हम लोग कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इतनी बात समझ में आई, यस ये जो सर हाइपोथैलेमस है इट विल रिलीज ADH when the body fluid volume is low, क्या है बच्चा ये, low, क्लियर हो गई, ठीक यस सर है। अब देखो
आपके जो हाइपोथैलेमस है इसके दो पोर्शन दिए हैं, एक तो है एडिनो हाइपोफाइसिस, एक है आपका न्यूरो हाइपोफाइसिस। जब हम न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तब और ज्यादा आसानी से समझ में आएगा, अभी के लिए सिर्फ नाम याद कराऊंगा। कौन सा पोर्शन? न्यूरो हाइपोफाइसिस। इतनी बात समझ में आई? यस सर। अभी हमने ये समझा कि भाई ऑस्मो रिसेप्टर जो थे उन्होंने बताया, ऑस्मो रिसेप्टर समझ रहे हो ना बात क्या है? ये रिसीव करेंगे भाई ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन का सिग्नल कि भाई बॉडी का फ्लूइड लेवल क्या है बच्चे? लो है। उन्होंने सिग्नल दिया किसको? हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस ने न्यूरो हाइपोफाइसिस रीजन से क्या सिक्रीट कर दिया? ADH। इसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। एक्सेलेंट, क्या नाम है बच्चे? वैसोप्रेसिन। हो गया, इतनी बात समझ में आई? यस सर। ये वैसोप्रेसिन क्या करता है? जो ब्लड वेसल्स होंगी इनको क्या करेगा, ये सीधे जाके इन ब्लड वेसल्स से कहेगा कि आप क्या कर जाओ? कॉन्स्ट्रिक्ट। वेरी गुड तन्वी, क्या कर जाओ बच्चे? कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाओ। अब जब ये ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगी तो जाहिर सी बात है यहां पर जो एंट्री होगी ब्लड की वो तेजी से होगी, हाँ या ना? यस सर। है ना, एंट्री क्या होगी? तेजी से होगी। जब फास्ट होगी तो क्या इंक्रीज हो जाएगा? ग्लोमेरुलस प्रेशर, है ना? ग्लोमेरुलस प्रेशर इंक्रीज होगा। अगर जीपी इंक्रीज होगा तो क्या इंक्रीज हो जाएगा? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट। इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, अब जैसे ही GFR इंक्रीज होता है तो बॉडी में एक सिग्नल जाता है किसके पास? हाइपोथैलेमस। कि क्या लगी है? प्यास। ठीक है, इतने थोड़ा बहुत समझ में आ रही बात? यस सर। एज सून एज यू हैव एन एहसास ऑफ प्यास यू स्टार्ट ड्रिंकिंग, एंड ड्रिंकिंग कैन ऑल्सो मेंटेन द बॉडी फ्लूइड। क्लियर? यस सर। ठीक है, और थोड़ा बहुत बात समझ में आई? दूसरी चीज, अभी तो ये ड्रिंकिंग से हुआ, अब ये दूसरा क्या था? हार्मोन क्यों रिलीज हुआ? कॉन्स्ट्रिक्ट करा था, अब इसने कॉन्स्ट्रिक्ट करके GFR बढ़ाया, इट ऑल्सो फैसिलिटेट, ये क्या करेगा? सीधे जाके बोलेगा किसको? डिस्टल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन को। किसको बोलेगा? डिस्टल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन कि आप क्या करिए? कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन। वेरी गुड, क्या करें आप? रीअब्सॉर्ब करें, ठीक है, वाटर को रीअब्सॉर्ब करें क्योंकि पानी इतना है नहीं बॉडी में। बात समझ में आई? यस सर। ठीक, तो इससे क्या होगा? आपका बॉडी फ्लूइड लेवल मेंटेन हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? यस सर। एक बार और समझाए? यस सर। चलें, देखें, कंट्रोल बाय किडनी का फंक्शन कौन कंट्रोल कर रहा है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, देखो आपको याद क्या क्या रखना बच्चों, है ना, एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज रिलीज्ड बाय हाइपोथैलेमस। न्यूरोफाइसिस ऑफ हाइपोथैलेमस। इतनी बात समझ में आती है? यस सर। ये तब ही रिलीज होगा जब आपके बॉडी में ब्लड का फ्लूइड जो है वो क्या हो जाएगा, या बॉडी फ्लूइड जो है कम होगा। उससे क्या होता है, ऑस्मो रिसेप्टर आपके एक्टिव हो जाते हैं, सिग्नल देते हैं हाइपोथैलेमस को, भाई आप रिलीज करो, बॉडी में फ्लूइड लेवल कम है। सर, ये हाइपोथैलेमस बेटा? सर, ADH के बताया आपने। नहीं, मैंने ये बताया कि आपका हाइपोथैलेमस ADH तभी रिलीज करेगा जब बॉडी फ्लूइड लेवल कम होगा। एग्जैक्टली क्या पूछ रहा हूँ, मैंने नहीं समझ में आया। सर, ADH की फुल फॉर्म मतलब? ये लिखी तो है मेरे बच्चे, दिख नहीं रहा स्क्रीन निशान? सर मेरे से जूम हो गया तो फिर दिख नहीं रहा। एंटी डायरेटिक हार्मोन, कोई बात नहीं, उसे अनजूम कर लो वरना तो कुछ भी नहीं दिखेगा, मैं जाके पढ़ाऊंगा।
ठीक है, यस सर, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, ये डायूरेसिस को रोकता है, एक्सेस ऑफ फ्लूइड जो रिलीज होता है उसको ये रोकता है। वो कैसे रोकता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी कि वैसोप्रेसिन वेसल्स को प्रेस करने वाला, जब प्रेस होंगी वेसल तो क्या हो जाएंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी ना, ऐसे याद कर सकते हो आप, देखो मेरे दिमाग में आया अभी अभी, वैसोप्रेसिन वेसल्स को प्रेस करेगा तो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, जब कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी तो जीएफआर बढ़ेगा, जीएफआर बढ़ेगा तो एक सिग्नल जाएगा हाइपोथैलेमस को, थर्स्ट है तो वो क्या करेगा, ड्रिंकिंग के लिए कहेगा आपसे, ठीक है। सिमिलरली आपका जो है एडीए जो है कॉन्स्ट्रिक्शन भी करता है और साथ साथ कहता भी है डिस्टल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन से कि आप क्या करो, रीअब्सॉर्ब करो वाटर को, क्लियर? यस सर। ओके चले, ये समझ में आ गया, लिखना है किसी को? नो सर। नो नो नो, ओके लिख लिया, चलो वेरी गुड। हाँ देखो, इस चैप्टर में ज्यादातर सवाल एक तो काउंटर करंट मैकेनिज्म से आता है, ठीक, दूसरा आपका ये याद कर लो इससे भी आता है, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। सेकेंड इज वाय, चलो ए लिखा था तो यहां बी आएगा, रास, सॉरी जे जी एपरेटस, नॉट रास, जे जी एपरेटस, हाँ रास ही तो है ये, जे जी एपरेटस में जक्स्टा इधर पढ़ा चुका ना, क्या है ये, यस सर, रूलस एपरेटस, ठीक है। इसको हम लोग रास भी कहते हैं, रास में क्या क्या आ रहा है, आर से रेनिन, ए से एल्डोस्टेरोन या एंजियोटेंसिन, अगला एल्डोस्टेरोन, यस, और आपका एस से बच्चों सिस्टम, है ना नंदनी? यस सर। तो अब तीन चीजें हैं इसमें, एक रेनिन आपका सिक्रीट होगा, एंजियोटेंसिन भी कहीं से आएगा और एल्डोस्टेरोन भी कहीं से आएगा, ठीक। और ये सब कौन कराएगा शुरू में, जे जी एपरेटस, जिसका नाम है जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस। याद हो एक डार्क ग्रेन्यूल पड़े थे जिसको हमने क्या कहा था, रेनिन, याद आ रहा है? यस सर, ठीक है। अब होगा क्या, ठीक, आपके जो जे जी सेल है इनका रोल है क्या होगा, कब काम करता है, जब आपका जी एफ आर लो हो, क्या लो हो बच्चे, जी एफ आर लो, यानी कि ब्लड फ्लो लो है तो फिल्ट्रेट भी लो होगा, ठीक। जब ये लो होते हैं जी एफ आर, ये क्या करते हैं, ये कहते हैं किसको, कि जे जी सेल को, कि आप क्या हो जाओ, एक्टिव हो जाओ, वेरी गुड, और एक्टिव होके आप क्या सिक्रीट कर दो सर, रेनिन, एक्सीलेंट, क्या सिक्रीट कर दो बच्चों, रेनिन, ठीक है। अब ये सीधे जाएगा हमारे ब्लड में, ये कहां जाएगा बेटा, ब्लड में एक प्लाज्मा प्रोटीन पड़ी होती है जिसको बोला जाता है एंजियोटेंसिनोजिन, एंजियो एंजियोजिन, हाँ, इसको कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिन 1, और फिर उसके बाद फिर फर्दर एंजियोटेंसिन 2 में। चलिए ठीक है, एंजियोटेंसिन सेकंड में, गुड नंदनी। चले अब ये जो प्रोटीन था ये वैसे क्या था बच्चों, ये एंजियोटेंसिनोजिन क्या था बच्चे, प्रोटीन है ना, ये क्या था बच्चों, प्लाज्मा प्रोटीन था, पर जब ये कन्वर्ट हुआ किसमें, एंजियोटेंसिन सेकंड में, अब इसने अब बोला मैं प्रोटीन नहीं हूं, अब मैं क्या हूं, हार्मोन, इट एक्ट एज अ हार्मोन, ठीक है। अब जीएफआर बढ़ाने के लिए क्या करना होगा बच्चों बताओ, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, हाँ या ना, यस सर, है ना,
तो ये सीधे जाएगा हार्मोन किस पे एक्ट करेगा, ब्लड वेसल पे, और क्या कहेगा कि आप जो हो क्या हो जाएं बच्चों, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएं। तो जीएफआर बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है, कॉन्स्ट्रिक्शन दे दो। क्लियर? यस। चलो पहला पहला बताया मैंने, क्या करा इसने यहां पर, कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ तो क्या इंक्रीज हो गया, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, अल्टीमेटली द जीएफआर, फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, यस सर। अब जरा देखें, जीएफआर बढ़ेगा तो रीअब्सॉर्प्शन भी बढ़ेगा, ये तो बात साफ है। Yes, दूसरी चीज क्या होती है, ये भी क्या काम करता है, देखो यहां पर देखना, दिस एंजियोटेंसिन सेकंड ऑल्सो सिग्नल डिस्टल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है, टू एब्जॉर्ब NaCl वाटर। क्लियर? यस सर। ठीक है, ये yes, क्या करेगा, रीअब्सॉर्ब कर लेगा NaCl को और वाटर को। ठीक है, जब NaCl वाटर इंक्रीज होगा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा ना, है ना, ब्लड yes, में है क्या 55% प्लाज्मा, 45% आरबीसी, और प्लाज्मा में 92% वाटर है, तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ाना है तो वाटर बढ़ा लो। ठीक yes, है, अभी क्या करेगा, ये यहां से निकल के सीधे जाएगा किडनी की ग्लैंड पे, और किडनी की ग्लैंड कौन सी है, एड्रीनल ग्लैंड। वेरी गुड। ठीक है, वहां पर जाएगा और एड्रीनल ग्लैंड से बोलेगा कि आप सिक्रीट करो एल्डोस्टेरोन। क्या सिक्रीट करो? एल्डोस्टेरोन। हाँ, अभी इसको ज्यादा ध्यान से सुनना, ये नीट का क्वेश्चन बनता है यहां से, क्या सिक्रीट करो बच्चा, एल्डोस्टेरोन। ठीक है, इस एल्डोस्टेरोन को कहता है, देखो जो बात ऊपर बोली थी एग्जैक्टली वो बात यहां पर है, मतलब वहां पर नहीं है, यहां पर होता है। यहां पर क्या होगा, डीसीटी को ऑर्डर मिलेगा कि आप क्या करें, कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन। ठीक है बेटा? यस सर। ऑफ सोडियम आयन प्लस वाटर। ठीक है, कुल मिला के हमें क्या करना था, बॉडी फ्लड का वॉल्यूम बढ़ाना था, वॉल्यूम बढ़ाना था। ठीक है, तो वॉल्यूम हमने बढ़ा लिया, कैसे बढ़ा लिया, जीएफआर को इंक्रीज करा के और रीअब्सॉर्प्शन करा के। क्लियर? यस सर। तो ये दूसरा हो गया, तो ये दोनों कब हुए, जब जब क्या था बच्चा, जीएफआर कम था है ना। अब क्या हो, जब जीएफआर ज्यादा हो, है ना, तो क्या करा जाए, उल्टा काम होगा ना बिल्कुल, आया ना, बिल्कुल उल्टा करना पड़ेगा। बहुत आसान है उसको याद रखना, कोई इतनी मुश्किल बात है नहीं। ठीक है, इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। देखो तीसरा है आपका, इसको नाम को याद रखें, आर्ट्रियल, ठीक है, नेट्री यूरेटिक फैक्टर। हाँ, यूरेटिक फैक्टर, समझ में आया, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम ANF। ठीक है, ये भैया एंटागोनिस्टिक है, एंटागोनिस्टिक कहते हैं बच्चों जो उल्टा काम करे, है ना, एंट, हाँ, एंटागोनिस्टिक टू रास, जो रास लोग काम कर रहे थे वो इसे रास नहीं आता, बिल्कुल सही कहा ना मैंने। ठीक, तो ये क्या करता है, जब GFR बढ़ेगा, है ना, yes, sir, आपके हार्ट की वॉल से, ध्यान से सुनना, कहां से, हार्ट की वॉल से। हाँ, अब एक होमवर्क आ रहा है आपके पास, वॉल ऑफ हार्ट क्या करेंगी, अपने आप को स्ट्रेच करेंगी, क्या करेंगे बच्चे, स्ट्रेच। Actually, it is not the wall of heart. Basically, it is the arterial wall of heart. Yes. Na? Arterial wall of heart. ठीक है? Arterial wall of heart क्या करती है बेटा अपने आप को? Stretch. Stretch करती है. ठीक है?
तो एंड दैट स्ट्रेच विल रिजल्ट इन रिलीज ऑफ एएनएफ, ठीक है. एंड नाउ योर होमवर्क इज व्हाट इज एएनएफ, इट इज अ हार्मोन और एन एंजाइम. ओके सो दिस एएनएफ विल एक्ट ऑन ब्लड वेसल, है ना. नाउ इट विल decrease the blood, dilate basically, dilate the, yes sir, dilate the blood vessel. As soon as the blood vessel dilate, the GFR becomes low. Low. Okay, the GFR, yes, the blood pressure become low. And why this is antagonistic, and it also inhibit, it also inhibit the release of renin. Okay. So it is the checker of RAS, है ना. क्या करता है ये, check करके देखता है कि कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा, renin को फौरन ही रोक देता है, ठीक है बेटा. Yes sir. Yes, sir. चलो इसको कर लो, लिख लो, फिर आगे समझो, ठीक है सर. ब्लैक स्लाइड एक बार शो करना. हाँ जो खत्म हो गया चैप्टर तो भी चलो दूसरा क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं. डन सर. डन, ये हो गया. यस सर. डन सर. चलिए मजेदार बात आ रही, चलिए हर कोई नहीं. देखो बेटा अगला टॉपिक है आपका रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन. रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, दूसरे ऑर्गन का क्या रोल होता है एक्सक्रीशन में. देखो सबको मालूम है कि हमारे पास बहुत सारे ऑर्गन हैं, जैसे कि हमारे पास लंग्स हैं जो कि CO2 को बाहर निकाल देते हैं, हाँ या ना. यस सर. ठीक है. यस सर. हमारे पास स्किन है जो कि स्वेट भी निकाल रही है और सीबम भी निकाल रही है, क्योंकि इसके पास दो तरीके की ग्लैंड होती है. एक कौन सी होती है बच्चों, sweat gland and sebaceous gland. Very good. और दूसरी gland कौन सी है? Sebaceous gland. ठीक है, तो दो तरीके की gland है. अब तीसरा क्या है कि आपका बहुत ही important organ, सबसे important कौन सा organ लगता है आपको? Kidney. उससे भी ज्यादा कोई important है? Liver. Liver. Liver देखो 15-16 function करता है, समझे. इवन जो आपका फूड जाता है चेक वेक सब तो लिवर में ही होता है ना. लिवर में देखो, लिवर जो है मेन साइट है, किस लिए? फॉर एलिमिनेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है. Yes, आपका yes. जो बाइल पिगमेंट बने वो भी सब किधर से जाएंगे, टूट टाट के लिवर से. जो एक्सेस विटामिन है, फैट सॉल्युबल विटामिन है, वो सब किधर से जाएंगे? लिवर से. लिवर से. ड्रग्स कहाँ से जाएगा? लिवर से, ठीक है. तो ये सारे के सारे जाते हैं बाइल में इकट्ठा हुए. बाइल किधर पहुंचेगा आपका? इंटेस्टाइन में. इंटेस्टाइन से फिर फीकस बनेगा, फीकस वो रेक्टम में, रेक्टम से बाहर. क्लियर? Yes, sir. कोई दिक्कत किसी को बेटा? No, sir. लिख लो इसको. Done, sir. Done, sir. And good. चलें आगे पढ़ें हम लोग. देखें बेटा, कोई भी सिस्टम होगा तो उसमें कभी ना कभी क्या आएंगे? डिसऑर्डर्स आएंगे अगर उसको सही से नहीं रखा गया, ठीक है. सबसे पहला डिसऑर्डर हम लोग पढ़ ले रहे हैं यूरेमिया, ठीक है. अगर देखो नॉर्मली जो आपके यूरिन में 1.8 लीटर यूरिन में जो निकल रही है उसमें होता है 24 से लेकर 30 ग्राम ऑफ यूरिया, ये पता है, 24 से 30 ग्राम, ठीक है बच्चा. यस सर. Yes. अब मान लो यूरिया निकल रहा है आपका 50 ग्राम 60 ग्राम 70 ग्राम, तो इसका मतलब एक्सेस है. Yes, ना? Sir.
तो जब एक्सेस ऑफ यूरिया इन द ब्लड हो रहा है तो हम इसको कंडीशन को क्या कह रहे हैं? यूरेमिया। यूरेमिया। ठीक है? यस सर। अब होगा क्या, देखो अब ये ब्लड में है तो किडनी तो अपना एक तरीके से फिल्टर कर रहा है, यहाँ इस लाइन को अभी कट कर दे रहा हूं मैं, ठीक है, मैं ब्लड में बता रहा हूं मैं, ठीक है। अभी क्या कर रहा है कि किडनी इसको फिल्टर करके जितना यूरिया हो सकता है निकाल रहा है, ठीक है। अभी एक लाइन बड़ा सिंपल समझना, ये मेरा ब्लड की वेसल है, इसमें एक सर्टेन अमाउंट है यूरिया का, ठीक। उस सर्टेन अमाउंट से भी कुछ अमाउंट क्या होगा, किसमें जाएगा? किडनी में जाएगा, और किडनी उसमें से भी कुछ अमाउंट क्या करेगा, यूरिन में कर देगा। इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर। अब मान लो कि यहाँ पर 40 ग्राम है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पर गया आपका 38 ग्राम, 2 ग्राम ब्लड में रह गया, ठीक है, या फिर 35 ग्राम और यूरिन में गया आपका 30। ये नॉर्मल प्रोसीजर, एक हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ इस बात को समझाने के लिए, बात समझना, ठीक है। अब मान लिए ब्लड में यूरिया इसका लेवल हो गया 80 ग्राम, किडनी में क्या हो जाएगा फिर? कम से कम 50 तो मान ले, ठीक है, 50 से 60 मान लो, यूरिन में और ज्यादा निकल सकता है। तो जो ये ब्लड से ले रहा है वो कहाँ जमा होना शुरू हो जाएगा? सॉरी, किडनी। किडनी में जमा होगा नहीं होगा? यस सर। ठीक है, अब बाकी का कहाँ जमा होगा? ब्लड में इकट्ठा तो कहीं ना कहीं होना, ठीक है। तो इट कैन एक्युमुलेट इन किडनी एज वेल एज इन द ब्लड। दिस एक्युमुलेशन इज हार्मफुल टू बोथ ब्लड एंड किडनी एंड रिजल्ट इन रीनल फेलियर। पॉइंट समझ में आया? यस सर। यूरिया का ब्लड में या किडनी में एक्युमुलेट होना, बेसिकली किडनी में ही वो ब्लड में ही एक्युमुलेट होता है, ठीक है। तो अगर ये इकट्ठा हो रहा है आपके ब्लड में यूरिया, तो क्या करेगा वो? आगे जाके किडनी को फिल। वेरी गुड। चलो एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड रिजल्ट इन किडनी फेलियर। ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है भाई, अब दूसरा है, अब देखो दूसरा क्या बता रहा है, रीनल फेलियर। किडनी फेलियर, रीनल फेलियर एक ही बात है। एक रीजन तो हमें पता लग गया, किसका ज्यादा होना? यूरिया का। यूरिया का, ठीक है। अब देखो बच्चों, दो चीजें हैं, एक है ओलिगो यूरिया और एक है बच्चे एन यूरिया, ठीक है। या तो यूरिन का फॉर्मेशन कम होगा या यूरिन का फॉर्मेशन बंद हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर एक कंडीशन आई है जिसको मैं बोल रहा हूं रीनल डिसफंक्शन। क्या हो गया? रीनल डिसफंक्शन है ना, रीनल डिसफंक्शन हो गया है यहाँ पर, ठीक है, जिसकी वजह हो सकती है क्या? यूरेमिया। बात समझ में आ गई? यूरेमिया कैन बी अ कॉज ऑफ रीनल फेलियर। ठीक है बेटा, लिख लो इसको। डन सर। डन डन सर। चले देखो बच्चों, अगर किडनी फेल हो जाती है तो हम क्या करते हैं? क्वेश्चन है, इससे बड़ा ज्यादा आता है। देखो जब भी आप कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करोगे, ध्यान से सुनना मेरी बात बच्चों, हम जब भी कोई ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करते हैं ना, तो हमारी बॉडी के लिए वो ऑर्गन फॉरेन होता है,
अपना नहीं है ना. यस सर. जैसे मान लीजिए मुझे किसी का कुछ ऑर्गन चाहिए तो वो मेरी बॉडी के लिए कैसा हो गया, अननोन, मेरी बॉडी नहीं जानती है. ठीक है, अनटिल एंड अनलेस वो ट्विन का हो, थोड़ा यहाँ पर रहता है. एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन, आप सबने सुना होगा. यस सर. ना क्या होता है जब हम ग्राफ्टिंग कर रहे होते हैं, मतलब एक इंसान के अंदर दूसरे इंसान का ऑर्गन लगा रहे होते हैं, तो हमारा एक चांस होता है, परसेंटेज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन, की बॉडी उसको रिजेक्ट करेगी और बॉडी उसके खिलाफ लड़ेगी. ठीक है. Yes, sir. इस पे एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होता है. सर सेल मीडिएट, सीएमआई. सेल मीडिएट है ना, कौन बोला, नंदिनी बोली. यस सर. नंदिनी व्हाई नॉट द ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस. सर हाँ. जो ह्यूमरल रिस्पांस में उसमें हमारे वी लिम्फोसाइट्स होते हैं एंड जो सेल में है सर टी लिम्फोसाइट्स. और सर जब ट्रांसप्लांटेशन होता है तो सर सेल मेडिएट इम्यून सिस्टम ये देखता है कि वो मैच नहीं कर रहा है हमारे वो ऑर्गन हमारी बॉडी से, उसके सेल मैच नहीं कर रहे तो वो उसको रिजेक्ट कर देता है. अच्छा कुछ कुछ ऐसा है कि जो टी बी सेल के पास नहीं है टी सेल के पास है, ये तो बात तुमने बिल्कुल सही बताई. मतलब 99.9% कीटाणु मर चुके हैं, मतलब आंसर सही है. मुझे बस ये बताओ कि कुछ ऐसी चीज है जो टी सेल के पास है और बी सेल के उसका रिलेशन नहीं है अभी, जो ग्राफ्ट रिजेक्शन में हो रहा है. अदरवाइज बी सेल भी तो काम कर सकता है ना. यस सर. भाई सर ब्लड ग्रुप. हाँ हाँ तन्वी बताओ बेटा. सर एंटीबॉडीज बना सकता है वो, लेकिन जो दूसरा सेल्स होते हैं वो उनको हेल्प कर सकते हैं उस चीज में, लेकिन वो एंटीबॉडीज नहीं बना सकता है. नहीं बात तुम्हारी सही है. देखो होता क्या है, मेरे सवाल को आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टुडे सो आई कैन डिस्कस इट, है ना. दिस चैप्टर इज गोइंग टू फिनिश विद इन 15 or 10 minutes. देखो एक चीज होती है एंटीबॉडी, है ना बच्चों. यस सर. यस सर. दैट फाइट अगेंस्ट सर एंटीजेंस. एंटीजेंस. Any foreign substance that evoke the immune response is known as antigen. Suppose you have or कोई भी person है जो कि बाहर का क्या लेके आ रहा है, kidney लेके आ रहा है, that kidney will be a antigen to the body. Yes. For this, there must be some antibodies to fight. Yes. मैं ऐसा नहीं है, मगर मैं बता रहा हूँ ऐसा होना चाहिए था, but the antibodies are produced by B cells. Sir, B cells. But the role is played by in the graft rejection is of T lymphocytes. T lymphocyte. Okay. तो ये वाली चीज है. ये मैं पूछ रहा हूँ कि B cell क्यों नहीं, T cell क्यों? पता है? नहीं तो हम इसको आगे बढ़े. आप लोग घर पे पढ़िए. घर पे बढ़ना है. एक चीज है, चलो इसको देखना आप. मैं हिंट दे रहा हूं. MHCs मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स. ठीक है, इसको देखोगे सारा आंसर आपको मिल जाएगा. इतना बता दिया मैंने, हिंट दे दिया. ठीक है. ओके सर. हाँ, इसको देखना कि व्हाट इज द रोल ऑफ MHC इन ट्रांसप्लांटेशन और ग्राफ्ट रिजेक्शन, क्या रोल होता है. ठीक है बच्चों. यस सर. यस सारा आंसर मिल जाएगा. छोटा सा है और हो सकता है कि आपके NCERT में शायद ना दी वो लाइन, याद नहीं आ रहा मुझे, मगर ये है. ठीक है, अगली चीज है बच्चा किडनी ट्रांसप्लांटेशन. डिसऑर्डर नहीं है ये, तो ट्रीटमेंट है किडनी फेलियर का. ठीक है, तो अल्टीमेट मेथड है, बढ़िया सा मेथड है करेक्शन करना किसी को किडनी फेलियर है, कुछ हो रहा है. ठीक है, तो ये रहता है. बेहतर ये रहेगा कि अगर कोई किडनी ट्रांसप्लांट हो रही है तो हम अपने सबसे करीबी रिश्तेदार का इस्तेमाल करें, क्योंकि वहां पर चांसेस ऑफ ग्राफ्ट रिजेक्शन कम होते हैं, है ना बच्चों. यस सर. ओके चलो, तीसरी बीमारी है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. देखो बच्चा क्या लग गया यहां पर एंड में आके. ठीक है, क्या लग गया बच्चे. टिस, इस बीमारी में लगा है टिस. टिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन. क्या मतलब होता है टिस का बेटा. इन्फ्लामेशन. इन्फ्लामेशन.
जैसे फेरिंजाइटिस, इंफ्लामेशन ऑफ फेरिंग्स, लैरिंजाइटिस, इंफ्लामेशन ऑफ लैरिंग्स, ब्रोंकाइटिस, इंफ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई, यहाँ पर किस में इंफ्लामेशन हो रहा होगा? ग्लोमेरुलस, ठीक है, ठीक है, इंफ्लामेशन हो जाता है, ठीक है, इंफ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस, एंड ग्लोमेरुलस इंफेक्शन आल्सो रिजल्ट इन इंफ्लामेशन ऑफ नेफ्रॉन एंड दैट कॉज रीनल फेलियर, एंड रीनल फेलियर कैन रिजल्ट इन डेथ। ओके बच्चा, तो हम इसको लिखते हैं इंफ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस रिजल्ट इन रीनल फेलियर एंड डेथ। खतरनाक चीज, अच्छी बात नहीं है, ठीक है। देखो इन्फ्लामेशन हुआ क्यों, उसकी वजह हो सकती है कोई बैक्टीरियल इंफेक्शन, ठीक है, या फिर इंजरी, रेयर में होती, इंजरी आसानी से नहीं होती, ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन। यू नो व्हाट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, वी हैव डिस्कस्ड इट, है ना? चले, ठीक है बेटा। देखो सबसे कॉमन डिजीज मैं अब लिखने वाला हूं जो अमूमन लोगों में पाई जाती है, अमूमन कहते हैं यूजली, रीनल कैलकुलाई। क्या बोलते हैं उधर हिमाचल में इसको हिंदी में? सर पथरी। तो सभी जगह एक ही बोलते हैं, तो फिर क्या फर्क है भैया, पथरी बोलते हैं, है ना? तो क्या होता है इसमें, फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन किडनी, देखो बेटा किडनी में, देखो किडनी में बेसिकली कहा आपके जो कैलस हैं वहां डिपॉजिट हो सकते हैं, और पेल्विस एरिया में डिपॉजिट हो सकता है, ठीक है, इवन बहुत रेयर में ऐसा होता है कि आपका यूरेटर्स में डिपॉजिट हो जाए, ठीक है, तो ये इन सब जगह ये स्टोन आपके डिपॉजिट हो सकते हैं। क्यों बनते हैं भाई कैलकुलाई जिनको हम स्टोन बोलते हैं? बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट कॉमा कैल्शियम ऑक्सलेट। देखो एक ऑप्शन तो आपको याद करना ही करना है, कौन सा? कैल्शियम ऑक्सलेट, है ना, कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम फॉस्फेट। और भी चीजें जमा हो सकती हैं बच्चों, जैसे कि यूरिक एसिड, ये सब चीजें आपको मिल जाती हैं, ठीक है बच्चे, जो स्टोन्स वगैरह होते हैं। हाँ देखो मैंने आपको बताया था ओलिगो यूरिया, ओलिगो मतलब लेस, ओलिगो का मतलब तो लेस होता है ना? यस सर। ओलिगो का मतलब होता है कम, तो अगर आपकी बॉडी में लेस अमाउंट में यूरिन बन रहा है तो वो क्या कहलाएगा? ओलिगो यूरिया। ओलिगो यूरिया। अब अगला क्या है बच्चा? एन यूरिया, ए का मतलब होता है नॉट, यानी कि बन ही नहीं रहा, तो इसको हम क्या कहेंगे? एन यूरिया, नो प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, यूरिन, ठीक है बेटा? यस सर, यस सर। चलो लिख लो। डन सर, डन सर, डन। सबको समझ में आया? कुछ दोबारा समझाऊं? सर आगे समझ गया। आ गया, चलो देखो बेटा, अब जब कम बन रही है यूरिन, कहीं बिल्कुल नहीं बन रही, तो ये भी तो हो सकता है कि ज्यादा बनने लगे, है ना, तो उसको क्या कहोगे? पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया, है ना, एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। वेरी गुड। अब जरा ये नीट के लिहाज से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो जो बच्चे मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं, बड़ा ध्यान से सुनना, अभी हमने बताया कि जब डायूरेसिस होता है तो आपका ईडीएच भी सिक्रीट हो सकता है और आपका एल्डोस्टेरोन भी सिक्रीट हो सकता है ना?
मेनली yes, आपका एडीएस सिक्रेट होता है क्योंकि उसका नाम ही क्या है, एंटी डायलेटिक हार्मोन, है ना। तो ये जब हमारी बॉडी में एडीएच है तो ये पॉलीयूरिया क्यों हुआ, सवाल ये है, बताएं। आसान जवाब है इसका, सर नाइट्रोजनस वेस्ट जो यूरिया वो ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है उसको एलिमिनेट करने के लिए। उसको एलिमिनेट नहीं, वो तो बात ठीक है आपकी कि अगर वो ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो चलो मान लेते हैं, एक बात तो एक रख लेते हैं। आगे कोई और वजह, हाँ भाई तन्वी, कृतिका, नंदनी, अभिषेक, साहिल, देवेश, सोचो। मैंने अभी आंसर बता दिया, एडीएच है रिस्पॉन्सिबल इसके लिए। कौन रिस्पॉन्सिबल है? एडीएच, एडीएच कम प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा? अगर आपका एडीएच कम रिलीज होगा बच्चों, तब दिक्कत आएगी नहीं आएगी? यस। एडीएच का काम क्या है? डायूरेसिस को रोकना। अब एडीएच ही कम रिलीज हो रहा है तो डायूरेसिस रोकेगा कौन? ठीक है, एंड दिस कंडीशन अराइजेस ड्यू टू लेस सिक्रीशन ऑफ एडीएच। बस सिंपल से आंसर तो पहले ही उसमें मिल गया था आपको, बस आपने सोचा नहीं वहां तक। ठीक है, तो अब जब जाहिर सी बात है, जब एडीएच का काम है वाटर को एब्जॉर्ब कराना, तो जब पॉलीयूरिया होगा तो वाटर की क्वांटिटी बढ़ेगी यूरिन में। वेरी गुड, ठीक है। और जब वाटर की क्वांटिटी बढ़ेगी तो पेशेंट को कैसा महसूस होगा बार बार? थर्स्ट, है ना, प्यास लगेगी क्योंकि पानी बॉडी का क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। यस सर, है ना। तो बहुत सिंपल सी बात है, है ना, ये बड़ा आसान चैप्टर है अगर समझा जाए तो। चले अच्छा, हाँ एक और मुझे आपको बताना है। देखो बच्चों ध्यान से, दो तरीके की डायबिटीज होती हैं, है ना। यस yes, एक है डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। यस yes, सर। एक है डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक। अब कौन सी मेलाइटस है, कौन सी इंसिपिडस है, इसको याद करने आपको पता है? दो तरीके की डायबिटीज होती है ना इंसानों में। यस सर, जिसमें एडीएच का देखो, एक में क्या होता है कि भाई बार बार यूरिनेशन आता है ना डायबिटीज। yes, एक में क्या होता है कि भाई ग्लूकोज आता है। बात समझ में आ रही? यस यस सर। तो अब मुझे ये बताओ, कैसे डिफरेंशिएट करोगे या कैसे मुझे बताओगे कौन सा डायबिटीज कौन सा है? एक इंसिपिडस, एक मेलाइटस, याद है नहीं है? मैं आपको याद करने का छोटा तरीका बता रहा हूं, जैसे मैं याद रखता हूँ, क्योंकि कई बार हम लोग भी जो होते हैं इंसान ही कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो ग्लूकोज कैसी होती है बच्चे, मीठा होता है ना। यस सर, है ना। तो ध्यान दे, ग्लूकोज यूरिया। मलाई भी कैसी होती है बच्चे, मीठी होती है ना। तो मैंने क्या करा है, इसको इस तरीके से याद करा है, ग्लूकोज वाली डायबिटीज कौन सी है? डायबिटीज मेलाइटस, मेलाइटस, है ना। और जो आपकी पॉलीयूरिया वाली डायबिटीज है, ये कौन सी हो गई? डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। तो मेलाइटस ग्लूकोज से रिलेटेड है, जब आपकी यूरिन में क्या हो, एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोज, या इवन एक्सेस क्या, ग्लूकोज होना ही नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है। ग्लूकोज आर एब्जॉर्ब एक्टिवली, पता है ना, ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड, दे कैन नॉट कम इन टू द यूरिन। तो एक्सक्रीशन ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन इज नोन एज डायबिटीज मेलिटस। हाँ, डायबिटीज मेलिटस। अब मेरे ख्याल में आपको याद रहेगा, ठीक है। यस सर। अब मुझे बताओ भाई, ये अब जरा थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग को चलाने की बात है, बहुत ही आसान सा जवाब आ जाएगा। ये ग्लूकोज को, देखो हमारी ये लिवर है ना, लिवर पता है ना। yes, लिवर क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का काम करता है, ठीक yes, है।
ग्लूकोज को लेगा अपने अंदर और किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लाइकोजन में, yes, sir. है ना, हमारी बॉडी में कैसे स्टोर होता है फूड, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, yes, sir. तो जब लिवर का काम था किसको स्टोर करके रखना, ग्लूकोज को किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन फॉर्म में, तो ये निकला कैसे, सवाल ये है. सर, बिकॉज़ इंसुलिन जो सिक्रीशन हो रही है पैनक्रियास से वो कम हो रही है जिसकी वजह से जो, वेरी गुड, शाबाश तन्वी, वेरी गुड. है ना, होता क्या है कि आपके बॉडी में पैनक्रियाटिक हार्मोन रिलीज कर हुआ था जिसका नाम है इंसुलिन. ठीक है, वो क्या करता है, जब भी देखता है ब्लड के अंदर क्या ज्यादा है ग्लूकोज, इसको कहता है कि आप यहाँ नहीं रुक सकते, आप कहाँ चले जाएं, लीवर के पास, लीवर के पास. लीवर में सेल होते हैं हेपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स, ठीक है, ये इसको कन्वर्ट करके ग्लाइकोजन में रख लेते हैं. पर क्या होता है, जब इंसुलिन ही कम रिलीज होगा तो ग्लूकोज जाएगा नहीं, जब ग्लूकोज ब्लड में रहेगा तो ब्लड से कहां जाएगा, किडनी में, किडनी से बाहर आएगा यूरिन में. क्लियर है बच्चा? यस सर. वेरी गुड. चलो तो हम लिख लेते हैं यहां पे, ड्यू टू लेस सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन. ठीक है बेटा, हाँ चलिए, ये लिख लिया बेटा आपने. देखो बच्चों, अगली डिजीज है, बहुत आसान है, नाम से आप बता दोगे, हीमेट यूरिया. हीम का मतलब क्या होता है बच्चों, आरबीसी या ब्लड. ठीक है, अगर ब्लड आ रहा है यूरिन में तो क्या कहलाएगा, हीमेटूरिया. हाँ, हीमेटूरिया. देखो, सबसे खतरनाक कंडीशन में से एक कंडीशन ये होती है कि ब्लड का, ठीक है, इट इज आल्सो रिलेटेड विथ सम सॉर्ट ऑफ कैंसर. ठीक है, और yes. या फिर देखो, ऐसा नहीं है सिर्फ कैंसर, ठीक है, ड्यू टू, पहला रीजन मैं लिख रहा हूं, मोस्ट कॉमन रीजन जो है वो है कैंसर भी हो सकता है यूरिनरी ट्रैक्ट का, या फिर यूटीआई भी हो सकता है. यू नो व्हाट इज यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन. एक्सीलेंट, यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन. कोई दिक्कत किसी को? नो सर. ठीक है भाई, तो हेमेटूरिया में ये होता है. ठीक है, अब अगली कंडीशन, थोड़ी सी और डिजीज रह गई है और थोड़ा हमारे पास टाइम भी रह गया. ठीक है, ये सब जानते हैं, डायूरेसिस. ठीक है, डायूरेसिस में एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ यूरिन का अगर एक्सेस में फॉर्मेशन हो रहा है तो वो कहलाएगा आपका बच्चों डायूरेसिस. ठीक है, वेरी गुड. चलो अगला पढ़ते हैं. देखो, ये लिखा है डिस और आगे लिखा है यूरिया. यूरिया मतलब यूरिन का बनना. ठीक है, डिस का मतलब होता है डिफिकल्टी. क्या मतलब होता है बच्चों डिस का? डिफिकल्टी. जैसे हमने डिस्पोनिया पढ़ा था, मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, डिफिकल्टी इन मिक्चुरेशन. ठीक है, तो पेनफुल मिक्चुरेशन अगर हो रहा है, मतलब कि when somebody is passing out urine and he is or she is feeling pain, this condition is known as dysuria. Urination के time पे अगर pain हो रहा है तो that is dysuria. तो हम इसको लिखते हैं painful micturition. You know what is micturition? Yes sir. Micturition क्या होता है बेटा? Passing out of urine. ठीक है. अगला है बेटा, आसान आसान है, प्रोटीन यूरिया. क्या होगा इसमें सर? प्रोटीन आ जाएंगे यूरिन. हाँ, देखो, प्रेजेंस ऑफ, एक थोड़ा स्पेसिफिक करना पड़ेगा, कौन से प्रोटीन होंगे सारे के सारे जो किस में पाए जाते हैं? प्लाज्मा. हाँ, प्लाज्मा में, तो ब्लड प्रोटीन इन यूरिन. ठीक है बच्चा? यस सर.
ठीक है, अब ये है कि सारे प्रोटीन की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, हाँ दिवेश बेटा, यस सर, प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन है? सिर्फ ब्लड प्रोटीन? नहीं, वही ब्लड प्रोटीन के नाम ही तो बताने हैं आपको मुझे, कि कौन कौन से ब्लड प्रोटीन है, प्लाज्मा के प्रोटीन है। चलिए कोई नहीं, अभी नहीं आ रहा दिमाग, कोई बात नहीं। कौन कृतिका? ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन। और ग्लोबुलिन हो गया, फाइब्रिनोजन हो गया, तो क्या प्रोथ्रोम्बिन नहीं होगा? सर ट्रांसफेरिन, सर थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन और सर फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन। एल्ब्यूमिन, यार एल्ब्यूमिन नहीं होगा, ये सब चीजें हैं, तो अब मैं डिजीज पढ़ा जा रहा हूँ। एल्ब्यूमिन यूरिया, इसका मतलब क्या हुआ? प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमिन प्रोटीन इन द यूरिन। वेरी गुड, प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमिन प्रोटीन इन यूरिन, यूरिन। अच्छा एक बार बताओ, व्हाट इज द रोल ऑफ एल्ब्यूमिन? ऑस्मोलरिटी मेंटेन करता है। तो दिक्कत आएगी ना फिर ऑस्मोलरिटी में? यस सर। चलिए लास्ट इज नेफ्राइटिस, तो हो गया ना ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, हो गया ना? यस सर। यस सर। चलो एक जब लास्ट का है तो मैं लिखा ही दे रहा हूं, कोई मुश्किल नहीं है, आप लिख लेना, ठीक है। क्या है ये? प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन, इट इज नोन एज कीटोनूरिया, कीटोनूरिया, ठीक है। यस सर। चलो लिख लो, एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर छुट्टी करते हैं। डन, सबका हो गया बेटा? यस यस सर। डन, गुड। चलो मैं दे रहा हूँ बेटा, स्लाइड भी लास्ट है, तो एक दो पेज बढ़ा देते हैं, पांच क्वेश्चन तो कर ही लें, है ना? पांच क्वेश्चन करा दूं? यस सर। चल अच्छे से क्वेश्चन पूछ ले रहा हूँ आपसे। ओके बढ़िया क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट पे ध्यान देना, ठीक है, ए पार्ट ऑफ रीनल पिरामिड, ठीक है? Yes, sir. A convoluted tubules, B collecting ducts, C loop of Henle, and D peritubular capillaries. चले मैं आपको दे रहा हूं, इसको पकड़ दो, पोल। चलिए बेटा पोल मिल गया, नहीं मिला? नो सर। चलिए तो मिला, हाँ चले। गुड देवेश,
सभी आंसर आ गए मेरे पास। चलिए करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स आर नॉट द पार्ट ऑफ, तो होता किसका पार्ट है फिर ये? हाँ जी, क्या बनाता है कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल? देखो बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट ऑफ किडनी। ओके चले इसको देखें, क्वेश्चन को बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इन मैमल्स, बस लास्ट दे रहा हूं ठीक है फिर छोड़ता हूं। इन मैमल्स विच ब्लड वेसल्स वुड नॉर्मली कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिया, ठीक है? चलिए रीनल वेन, डोसल एओर्टा, हिपैटिक वेन एंड हिपैटिक पोर्टल वेन, ठीक है? क्वेश्चन थोड़ा टफ है ना ये? चलो करो बच्चों। सी ऑप्शन बता रहे हैं पलक, प्रशांत भी सी बता रहे हैं। ओके काफी बच्चों ने बताया मुझे सी। हो गया बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। करेक्ट आंसर क्या है बेटा? हिपैटिक वेन। अच्छा ये बताओ सी आंसर तो बच्चों करेक्ट है, तो अब मुझे एक्सप्लेन करो कैसे? सर बिकॉज हिपैटिक वेन जो होती है वो लीवर से लेके हार्ट तक ले जाती है ब्लड, और लीवर जो है उसमें ऑर्निथिन साइकिल चलती है और जिससे लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिया प्रोड्यूस होता है, तो फिर उसको पास आउट करने के लिए यूरिन। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, बढ़िया, ठीक है, तो हिपैटिक वेन ही करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और दे दो बच्चो। यस सर। चले फिर एक और क्वेश्चन ले लें, बढ़िया सा आसान सा क्वेश्चन देता हूँ कोई मिल जाए मुझे। ठीक then be very good, थैंक यू सर।
रिमूवल ऑफ, जिन बच्चों ने भी सही आंसर दिया सबके लिए वेरी गुड है, ठीक है, तन्वीर का मैंने एक्सप्लेनेशन सुना इसलिए कह रहा हूँ, सबको वेरी गुड है, ठीक है बेटा, कोई ऐसा नहीं है कि स्पेशलाइज है. रिमूवल ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, क्या हम रिमूव कर रहे हैं यहाँ पे, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल फ्रॉम नेफ्रॉन विल रिजल्ट इन, क्या होगा अगर मैं पीसीटी को निकाल दूं, ठीक है. क्वेश्चन टफ नहीं है मगर मॉडरेट लेवल का होगा. देखो बच्चों, यूरिन कैसा होगा, मोर डाइल्यूट, आंसर देना बोलना नहीं, ठीक है. यस सर. हाँ, मोर कॉन्सेंट्रेटेड, नो चेंज इन यूरिन कॉन्सेंट्रेशन, और या फिर आपका नो यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है, चारों ऑप्शन समझ में आ गए. चलिए क्वेश्चन ऑप्शन लॉन्च कर दिया मैंने. हाँ भाई, देवेश कह रहे हैं ऑप्शन बी, बाकी काफी बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन ए. अच्छा देवेश चेंज कर लिया? यस सर. सही करा, पर नीट में ये मौका नहीं मिलता, ध्यान रखना, सर्कल करने से पहले बहुत सोच लेना. यस सर. चलो बच्चों, कर लिया आंसर आप लोगों ने? यस सर. Yes, sir. काफी कम बच्चे आंसर देते हैं, और जो भी देते हैं मोस्ट ऑफ देम आर करेक्ट. करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे? सर, मोर डाइल्यूट. मोर डाइल्यूट. चलो देवेश ही समझाएंगे कि डाइल्यूट क्यों होगा. देवेश बेटा, मैं जाती तो नहीं कर रहा हूँ देवेश तुम्हारे साथ ना सर. हाँ, समझाना चाहोगे? yes, कुछ नहीं? हाँ तो बताओ क्यों डाइल्यूट क्यों हो जाएगा सर. इफ द प्रोक्सीमल सर जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है वो रिमूव हो जाए तो सर माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी हो जाती है. तो वो तो बात ठीक है, किडनी काम नहीं करेगी. मुझे सिर्फ इतना बताओ, किडनी में हमने सिर्फ क्या निकाला है सर? यूरिन ना, पीसीटी निकाला है. यस सर. चलो, तो पीसीटी के निकालने से क्या, क्यों ऐसा डायरेक्ट हो गया सर? सर इन द सर ये बताओ, सही एब्सॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन की एब्सेंस में होता है ना. मेनली क्या है कि ये क्या करता है, 70-80% इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, और वाटर कहाँ एब्सॉर्ब हो जाता है बच्चों? पीसीटी में. उसको निकाल दोगे एब्सॉर्ब नहीं होंगे, वाटर आपका सीधे कहाँ चला जाएगा, यूरिन में डाइल्यूट हो जाएगा. क्लियर? Yes, yes, sir. ठीक है, तो जाहिर सी बात है. क्लियर बेटा? Yes, sir. चलो शाबाश. देखो कल करते हैं फिर आगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है. चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट. गुड नाइट सर. बाय सर. गुड नाइट. थैंक यू सर. वेलकम. थैंक यू सर.